जिस दिन आप अपनी एक्सपेक्टेशन को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने रिजल्ट से के बीच का सिंक्रोनाइजेशन ग्राफ बनाएंगे, आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगी। और बाकी अगर एक्सपेक्टेशन आप सोच लीजिए कि आज से 10 साल बाद आप यहाँ हैं और आपके ख्याल आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस क्लासरूम के अंदर ही रहेंगे, तो आप 10 साल छोड़िए, आप अगले 2 घंटे बाद स्ट्रेस में आ जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट। किस चीज में रिस्क है और किस चीज में रिस्क नहीं है। कौन सा रिस्क है जिसको आप पलट सकते हो, कौन सा ऐसा रिस्क है जिसको आप रोक सकते हो। जी, दो रिस्क हैं इस लाइफ की फिलॉसफी में, दो रिस्क हैं जो मैन मेडियल मैनेजमेंट होता है। दो रिस्क ऐसे हैं जो आप इंसान के बस के नहीं, एक बर्थ और एक डेथ। ये दो ही रिस्क है जो फ्री में आते हैं, इसमें कोई टैक्स नहीं है और जो इंसान के भी होते हैं। इसके अलावा सारे रिस्क मैन मेड रिस्क है। आप अगर ये सोचें कि आप यहां से आगे के अपने मिशन या विजन तक विदाउट रिस्क चले जाएंगे, तो आप एक इल्यूजन वर्ल्ड में जी रहे हैं। रिस्क तो ये भी है कि मैं अपने ऑफिस से आपके इस कैंपस में आया हूं, तो रिस्क तो लेकर के आया हूं, हो सकता है रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता, पैर टूट जाता, जीने से ऊपर ही ना पाता। गलत और सही का लाइफ में डिसीजन लेना, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। गलतियां करने से कभी मत डरिए। अगर आप रिस्क ले रहे हैं, कुछ काम करना है, गलत होगा, एक बार में श्योर शॉट तो साइंस के रिजल्ट नहीं निकलते, एक्सपेरिमेंट नहीं सक्सेस होते, ये तो लाइफ की थ्योरी है। गलतियां करता वही है जो कुछ करता है, और रिस्क मैनेजमेंट वही है जो गलत करने की हिम्मत रखता है। सही करने के लिए थ्योरी है, उसको आप फॉलोअर बनना है। लास्ट बात मैं अपनी खत्म करूंगा, बस 5 मिनट में। एक चीज जो शायद मैंने अभी कहीं किसी बुक में नहीं पढ़ी, बाकी बेटर यहाँ प्रोफेसर हैं, डॉक्टर लाल मैडम है, वो जानती हैं। शी इज द एशियाज मोस्ट लर्नड लेडी, ड्यू ऑनर टू हर। जो मैंने अपने स्ट्रगल टाइम में सीखी वो है ऑनर मैनेजमेंट एंड लाइफ मैनेजमेंट। ऑनर मैनेजमेंट क्या है, जो आपके HOD साहब डॉक्टर जैन साहब ने कहा था, उन्होंने मेरी बात को कहा, कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं कि युवा को क्या मैनेज करना चाहिए। मुझे ये लगता है युवा को डिजिटल मीडिया मैनेज करना चाहिए, और दूसरा मुझे लगता है युवा को अपनी वाच शक्ति का मैनेजमेंट सीखना चाहिए, बोलने का, बातचीत करने का। ये जितने भी 3-4 बच्चे हैं, ऋषि आयुष, सुश्री राजपूत आई, हालांकि उन्होंने अपने बहुत पूर्ण अनुभव भी साझा किए और मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन उसने पिता के बारे में जो वर्णन किया, और उन सब के ऊपर जो इतनी देर से बच्चे संभाले हुए हैं डॉक्टर मुझे जैन साहब। सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं विश्वविद्यालय में जब था, मैं यहाँ पे 94 से और आप उससे पहले अध्यक्ष हमारे समय बहुत बड़े अध्यक्ष हुआ करते, मैं कभी एंटर किया था। अच्छा, आपको नहीं पता होगा या हो सकता मालूम है, क्योंकि अब और बहुत बदल गया है और छात्र का चुनाव नहीं होता है, लेकिन छात्र संघ में पहले ऐसा चुनाव नहीं होता था जो डॉक्टर मुझे चयन द्वारा निर्देश नहीं होता था। तो जो वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर विनय जैन से बेहतर कोई बात।